आज भारत में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया है। इसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाना है। पर ग्राम सरनाडी जिला बलरामपुर के एक स्कूल ऐसा है जहां पर 97 बच्चों का भविष्य एक ही शिक्षक पर अध्ययनरत है, जिसमें तीनों कक्षा कक्षा 8वीं, कक्षा 7वीं या कक्षा 6वीं के छात्र शामिल है। खुशबू जी, आप कौन सा कक्षा में पढ़ती हैं? 7वीं। और इस कक्षा में कौन कौन बैठे हुए हैं? 7वीं, 8वीं, 6वीं, है ना? मैंने 3 कक्षा लगती हैं। मैं इस समय को समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी इसी दौर पे गुजरा हूँ। तो आज बता सकेंगे कि आपके HM कहाँ गए हैं? बी ऑफिस में गए सर। तो इस स्थिति में आपका स्कूल का अध्ययन किस प्रकार से चलता है? अब अकेले टीचर हैं सर, वो जन शिक्षक भी हैं और उनको कई जगह जाना भी रहता है दौड़ा में। तो मान लीजिए कार्यालय के लिए अगर यहाँ से कोई काम पड़ जाता है तो उनको अकेले जाना पड़ता है, यहाँ पे तो कोई टीचर है नहीं। अब उस स्थिति में हमको प्यून के सहारे चलता है, हमको देखना पड़ता है पूरा। तो आपको क्या लगता है, यहाँ टीचर होना चाहिए और की? होना चाहिए सर। कारण है कि अगर यदि विलम्ब होगा तो बच्चे लोग के पढ़ाई में भी विलम्ब होगा, बच्चे लोग में सुधार नहीं हो पाएगा और बच्चे समय पर पढ़ नहीं पाएंगे, उनका शिक्षा जो है कमज़ोर पड़ जाएगा। तो आपके जो अभी हेडमास्टर है वो कौन से विषय पढ़ाते हैं? सब विषय पढ़ाते जी। हैं। तो आपको कौन सा विषय का टीचर होने से अच्छा होता? विज्ञान और गणित। तो आपने स्टूडेंट होने के नाते कभी हेडमास्टर से पूछा कि या मेरे यहाँ स्कूल में टीचर बढ़ेंगे कि घटेंगे? जी पूछे थे तो बोले कि आएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ने आते हैं उसका कीमती समय बर्बाद मत हो। मैं आशित राय, ग्राम सरनाडी, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ से इंडियन अनहर्ड के लिए।